नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके खबर और मैं हूं आपके साथ नावेद खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों में। झांसी जनपद के मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मीटिंग हॉल में विकास खंड स्तरीय प्रशिक्षण हुआ, जिसमें पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम झांसी द्वारा सक्रिय टीवी खोज अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 10 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें घर घर जाकर सक्रिय टीम टीवी के मरीजों की खोज करेगी। समय घर घर जाकर टीवी के मरीजों की खोज करके उनका इलाज किया जाएगा। वहीं डॉक्टर सुमित मिसुरिया ने बताया कि जो ऐसे मरीज हैं उनको चिन्हित करके दवाइयां दी जाएंगी, जिससे ऐसे मरीजों में कमी हो सके और बीमारी पर नियंत्रण किया जा सके। सक्रिय टीवी खोज अभियान के तहत एक गठित की गई टीम की मीटिंग ली गई, जिसमें खास तौर पर ऐसे मरीजों को चिन्हित किया जाएगा जो इस ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उनका इलाज किया जाएगा, जिससे कि इन मरीजों में कमियां हैं और खास तौर पर इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके। ये टीवी के रोगियों को ढूंढने के लिए कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें ACF एक्टिव केस फाइंडिंग जिसे कहा जाता है, उसमें समथर और मोट में इस बार जो कार्यक्रम चलाया जाएगा और इसमें घर घर जाके टीवी के रोगियों को 50 घर एक दिन में देखने होते हैं, जिसमें टीवी के घर रोगियों को ढूंढा जाता है। तो जो भी टीवी का रोगी होता है उसको चिन्हित करके यहाँ CSC से उसका इलाज करवाया जाता है। सबको चिन्हित किया गया है कि चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। हाँ जी, अभी कुछ किया गया है चिन्हित की? नहीं, हाँ, पहले जो कार्यक्रम चला था उसमें चिन्हित किए गए थे, उन लोगों का इलाज अभी चल रहा है और जो नए चिन्हित किए जाएंगे उनका फिर से चलाएंगे। ये जो हमारे जो टीम है, एक टीम बनाई जाती है, उनके माध्यम से घर घर जाके उनको चिन्हित किया जाता है।